मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू कहर बरपा रहा है। बच्चों से लेकर हर उम्र के व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं और हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। ऐसे में ग्वालियर डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है, जहां डेंगू का आंकड़ा 1200 यानी कि 1200 के पार पहुंच गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी डेंगू की आंकड़ों को कमतर बता रहा है और जल्द ही डेंगू की रोकथाम का दावा भी कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक डेंगू से सिर्फ एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। और इसमें खास बात यह है कि आमतौर पर सर्दी का मौसम आते ही डेंगू कम आक्रामक हो जाता है, लेकिन इस बार सर्दियां शुरू हो चुकी है, फिर भी डेंगू का डंक अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। डेंगू तो कंट्रोल है हमारी, जो ना लगभग 5-6 केसेस पर डे के अभी आना है, कल भी शायद 4 केस आए हैं, अब तो कंट्रोल से चल रही है। कितनी टीमें लगी हुई हैं इसको रोकने हमारी के लिए? 35 टीम लगाई थी हमने, और जो पूरे शहर में जहाँ पर डेंगू निकल रहा था वहाँ भी, और जहाँ पहले निकला हुआ था वहाँ सघन हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया और लार्वा डिटेक्ट किया, लार्वा का विनष्टीकरण किया। वहाँ पे इन हाउस हम लोगों ने स्प्रे, हमारी टीम करती है, तो पायरेथ्रम का स्प्रे कराते हैं, टेमाफोस का दवाई का छिड़काव करते हैं, डालते हैं उसमें कंटेनर्स में, कंटेनर खाली कराते हैं, सब हमारी टीम कर रही है। ऐसे 35 टीम।